जो वाणी सुने हैं उस पर अपने जीवन को तराशो। क्यों तराशें? ये जीवन का कोई ठिकाना ही नहीं, कब काल बलि आ जाए। इसलिए कहा गया है, थोड़ी जिंदगानी तय काबर भूले अभिमानी मूरख मन चेत, काल बली जब आही पकड़ी के ले जाही तय हो जा सचेत। मरती बेरिया में अरे पगले ए हो पगले तय का कर बेरे, मरती बेरिया में अरे पगले ए हो पगले तय का कर बेरे, थोड़े जिंदगानी तय काबर भूले अभिमानी मूरख मन चेत, काल बली जब आही पकड़ के ले जाही तय हो जा सचेत। मरती बेरिया में अरे पगले ए हो पगले तय का कर बेरे, मरती बेरिया में अरे पगले ए हो पगले तय का कर बेरे। मरती बेरिया में कुछ भी नहीं किया जाएगा, जिस दिन जंघे में ताकत नहीं, भुजा में बल नहीं, जेब में धन नहीं और सोचा जाए मैं वहाँ जाता कुछ करता कुछ दान धर्म करता, तो जंघे में ताकत नहीं, भुजा में बल नहीं, जेब में टटोलते हैं तो कुछ धन भी नहीं। कब? जब सांझ हो जाता है। अभी समय क्या हुआ है? संध्या आ गई, सांझ परी दिन ढल गया, सांझ परी दिन ढल गया, बाघिन घेरी गाय, गाय बिचारी ना मरी और बाघिन भूखी जाए। संध्या पड़ गई, सांझ पड़ी। संध्या कब होती है? जब दिन ढल जाता है तब, दिन समाप्त हो गया, अब संध्या आ गई, 5 बज गया, सांझ पड़ी दिन ढल गया। बाघिन घेरी गाय, गाय को बाघिन घेर लिया है, बाघिन चारों तरफ गाय के घूम रही, कभी भी धर दबोचेगी, उसका अब कुशल नहीं है गाय के। लेकिन सद्गुरु कबीर कहते हैं, लेकिन गाय बिचारी ना मरी, गाय मरेगी भी नहीं और बाघिन भूखी भी नहीं जाएगी, बाघिन भूखी भी नहीं जाएगी और गाय मरेगी भी नहीं। सांझ परी दिन ढल गया, दिन ढल गया तब संध्या होती है, दिन समाप्त अब संध्या आ गई, जवानी समाप्त, जवानी समाप्त, जीने का समय समाप्त। क्यों? दिन ढल गया है, दिन ढल गया है, संध्या आ गई है, हमारी संध्या है। बुढ़ापा भी चले गया, जड़ जड़ता आ गया, अब बचा नहीं है, आज या कल जाना निश्चित है। सांझ परी दिन ढल गया, बाघिन घेरी गाय, बाघिन मृत्यु है, मृत्यु रूपी बाघिन हमारे इर्द गिर्द मर्रा रही है, जीने का जीवन समाप्त हो चुका है, इर्द गिर्द बिल्कुल मंडरा रही, जैसे बाघिन गाय के चारों तरफ मंडराती है वैसे
मृत्यु रूपी यमराज हमारे चारों तरफ लगे हुए हैं। लेकिन गाय बिचारी ना मरी, गाय मरेगी भी नहीं और बाघिन भूखी भी नहीं जाएगी। गाय क्या है और बाघिन क्या है? गाय बिचारी ना मरी, गाय बिचारी मरेगी नहीं। गाय है जीवात्मा, सबके घट में विराजमान जीव आत्मा है, जिसकी सत्ता से आप सब अपने घर से यहाँ तक पहुँचे हैं। दसों इंद्रियाँ में क्रिया हो रही है, मैं मेरे मुख से आवाज़ निकल रही बोल रहा हूँ। गाय मर जाएगी तो बोलूँगे क्या? बोल भी समाप्त। सुनेंगे क्या? सुनना भी समाप्त। देखेंगे क्या? देखना भी समाप्त। जीव मरता नहीं है, अमर आत्मा है, वो मरेगा भी नहीं। तीनों काल में अनादिकाल से जीव इस शरीर को छोड़ते धरते आया है, आ रहा है। क्यों? शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। केवल शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद किया जाता है, शरीर और आत्मा का संबंध विच्छेद। जैसे पति और पत्नी में संबंध विच्छेद हो जाता है, किसी बात को लेकर के अब हो गया समाप्त, अब तुम्हारा हमारा नहीं बनेगा, तो कोर्ट में जाकर के संबंध विच्छेद, चार समाज के बीच में संबंध विच्छेद हो जाता है, नारी कहीं पुरुष कहीं। ऐसे पुरुष चेतन आत्मा नारी रूपी एक काया को छोड़ देता है और फिर ये चेतन आत्मा पुनः दूसरा शरीर धारण करने के लिए फिर चल देता है। इसलिए कब तक से इस प्रकार से जन्म मरण के प्रवाह में भटकते रहोगे? भटकने से बचना है तो आज अपने को जानो, अपने इंद्रियों को संभालो, मन को संभालो। अभी कितना निर्णय वाणी हम सब सुने हैं लेकिन अमल नहीं होता है। क्यों अमल नहीं होता है? अमले लोक खुमारी तृष्णा व्यसनी, अनेक विषयों के हम व्यसनी बन चुके हैं। देखे बिना नहीं रह सकते, सुने बिना नहीं रह सकते, सूंघे बिना नहीं रह सकते, चखे बिना नहीं रह सकते, छुए बिना नहीं रह सकते। दसों इंद्रियां इतने चंचल है, इतने हम आसक्त हैं। अमली लोक खुमारी तृष्णा, तृष्णा की खुमारी में हम भटक रहे हैं। जब तक से तृष्णा का खुमारी समाप्त नहीं होगी तब तक हमारा जन्म मरण का प्रवाह भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए जो हम सुन रहे हैं ना ये निर्णय वाणी, उसको हम सब मनन करें। इसी के लिए बीजक चिंतन शिविर, चिंतन करने के लिए जो हम सब सुन रहे हैं उसे चिंतन करें, मनन करें, ध्यान करें और अपने जीवन को तराशें। तराशना जैसे हीरा को तराशा जाता है, जैसे अनगढ़ पत्थर को लेकर के कारीगर शिल्पी है वो छीनी हथौड़ी से तराशते 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 सुंदर भगवान का रूप दे देता है, देख करके मन एकदम आकर्षित, उसको पूजा के योग्य बना देता है, आरती करने के योग्य बना लेता है। लेकिन हम ये अनगढ़ जीवन को नहीं तराश पा रहे हैं, अपने जीवन को तराश नहीं पा रहे हैं। इसलिए न तराशने के कारण से वो जन्म मरण के प्रवाह समाप्त नहीं हो रही है। कब तक भटकोगे? ये अनुकूल आपके परिवार है, धन जन मिला, घर द्वार को कितना सुंदर सजाया जा रहा है, कितना सुंदर सजा, चाहे जितना सुंदर सजा लो घर द्वार, खेती बाड़ी धन दौलत को,
जितना इकट्ठा करो, बैंक बैलेंस करो, एक दिन छोड़ के जाना है, एक दिन जाना है जरूरी हो छोड़ के संघरी, एक दिन जाना है जरूरी हो छोड़ के संघरी, बेटी बेटा छोड़ के जावे तोर मोह की रसरी, बेटी बेटा छोड़ के जावे तोर मोह की रसरी, सुंदर तजेव घर की डेहरी हो छोड़ के संघरी, सुंदर तजेव घर की मेहरी हो छोड़ के संघरी, एक दिन जाना है जरूरी हो छोड़ के संघरी। और कब जाना है जिसका कोई पता नहीं, कोई समय नहीं, कभी भी, जैसे चूहा के पीछे बिल्ली लगी हुई है, बिल्कुल ताक में है, ऐसे ही हमारा प्रारब्ध कब अंत हो जाए, मौत रूपी बिल्ली हमारे पीछे लगी है, इसलिए चेतने का समय अभी है, खूब मनन चिंतन करो, ये चिंतन शिविर है, चिंतन के लिए ही, और जो चाहें ये चिंतन शिविर परसों बिल्कुल समाप्त, 1 बजे तक चलेगा, और विषय भी होगा, सुनने को मिलेगा संत भक्तों के द्वारा, लेकिन आप लोग, आप सब, हम सब कुछ वानगी लेना चाहें तो ये साहित्य जो है ये 2 भागों में है, 1 भाग ये पर है, दूसरा भाग और है, वो जो चाहेंगे 500 रुपये मिलता है 2 सेट का, वो यहाँ से अपना खरीदना चाहें तो बुकिंग करवा सकते हैं, हम ला करके दे देंगे। तो इस प्रकार से ये सत्संग कल के बाद परसों समाप्त हो जाएगा, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, अवसर मिला है, ये अवसर फिर मिलने वाला नहीं है, जब तक श्वास चल रही है तब तक अवसर है, पता नहीं कब श्वास रुक जाए, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा पूज जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, इसलिए जागे संतो जागो, अब भई भोर, बहुतक सोए जन्म सिराए, यहाँ नहीं कोई तोर, यहाँ नहीं कोई तोर, कोई तुम्हारा नहीं है और कुछ भी तुम्हारा नहीं है। समय हो गया, 5 बज गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबको धन्यवाद।